नंदिरा कॉलियरी तालचेर कोयला क्षेत्र की एक भूमिगत खदान है। इसके दो प्रवेश द्वार हैं, इंक्लाइन नंबर एक और इंक्लाइन नंबर दो। एक व्यवहार होता है कोयला परिवहन के लिए और दूसरा व्यवहार होता है सामग्री के आपूर्ति और सड़क यात्रा के लिए। फिलहाल EP5 और VFA ये दो डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स अपने कीविंग के साथ ऑपरेशनल हैं। EP5 पैनल को डेवलप किया गया था 1992 से 95 के बीच तालचेर सिम नंबर 1 में। डेवलपमेंट के खत्म होने के बाद इस डिस्ट्रिक्ट को सील कर दिया गया था सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग्स के साथ। जब 2015 में इस डिस्ट्रिक्ट को फिर से खोला गया फिलर्स के निष्कर्षण के लिए, तब गैलरीज चोक हो चुके थे मलवा और छत के टुकड़ों से। आइए नजर डालते हैं 19/10/2016 के घातक दुर्घटना में। ग्रिलिंग गैंग में शामिल मृत रमेश चंद्र साहू के जनक श्री जगमोहन दास ड्रिल हेल्पर और श्री अच्युत बारिक ड्रिल हेल्पर, ये सभी EP5 में पहुंच के श्री विपिन बेहरा माइनिंग सरदार के पर्यवेक्षण में अपना ड्रिलिंग का कार्य शुरू करते हैं। रमेश चंद्र साहू को ड्रिल केबल समेटने का कार्य सौंपा गया। और जब वो 34L में 26D और 25D के बीच में चल रहे थे, एक साइड फॉल हुआ जो कि कोयला शेर मिट्टी पत्थर के टुकड़ों से लैस था और यह टुकड़ा उनके पैर पर गिरा। रेस्क्यू और रिलीफ वर्क तुरंत शुरू किया गया श्री विपिन बेहरा माइनिंग सरदार के द्वारा और NSC हॉस्पिटल में रमेश चंद्र साहू को मृत घोषित किया गया। बोल्टिंग और स्टिचिंग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स को मजबूती के साथ रखना चाहिए जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की उच्चता 3 मीटर से ज़्यादा हो। कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट 1957 के रेगुलेशन नंबर 115(2) के तहत, जिसमें हर एक कर्मचारी को अपने कार्यस्थल में जाने से पहले उसकी अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना चाहिए। अगर कोई खतरा दिखे तो उसके बारे में अधिकारियों को तुरंत बताना चाहिए और काम को तुरंत रोक देना चाहिए।